और पीछे से घुमाते हुए ले आए, 3 से 5 बार रोजाना करना है। इससे हमारे जो फ्रोजन शोल्डर की बीमारी होती है, हथेलियां एक दूसरे के विपरीत, हाथ बिल्कुल कंधों के बराबर सीधे रहें। राजसमंद के जेके उद्यान में जिला आयुर्वेद विभाग की ओर से यहाँ योग महोत्सव आयोजित किया गया है। दोनों हाथों को नीचे ले आए, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, आंखें बंद रखें, और करेंगे ध्यान थोड़ी देर। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, आंखें बंद। सबसे पहले प्रार्थना से स्टार्ट करेंगे। दोनों हाथ जोड़ लीजिए, आंखें बंद। सबसे पहले करेंगे चालन क्रियाएं, दोनों हाथ जंघाओं के बगल में। सबसे पहले करेंगे ग्रीवा चालन की क्रियाएं, दोनों हाथ कमर के ऊपर रख लें। सामान्य श्वास प्रश्वास, गर्दन को ऊपर उठाएं, आसमान की तरफ देखें, जितना ऊपर ले जा सकते हैं गर्दन को ले जाएं। सांस छोड़ते हुए सामने आए, ये हुआ पहली ग्रीवा चालन का। दूसरी क्रिया है वो करेंगे, सांस छोड़ते हुए गर्दन को राइट साइड में ले जाएंगे और कान को कंधे से लगाने की कोशिश करेंगे। कंधे को ऊपर नहीं उठाना है, कंधे बिल्कुल सीधे रहें। सांस भरते हुए बीच में आ जाएं, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में, कान को कंधे से लगाने का प्रयास। सांस भरते हुए बीच में आ जाएं, ये सांस छोड़ते हुए नीचे। स्कंद संचालन की दूसरी क्रिया करेंगे और गोल घुमाते हुए ऊपर की तरफ ले जाएंगे। पहले नीचे लाएं ऐसे, दोनों कोहनी मिल जाएं आगे, ऊपर उठाइए पूरा, साइड से घुमाते हुए ऐसे, कम से कम 3 से 5 बार ऐसे कर लीजिए। आगे आए कोहनी मिल जाए, ऊपर जाए, पूरा उठाए कोहनी को और पीछे से घुमाते हुए ले आए। हथेलियां एक दूसरे के विपरीत, हाथ बिल्कुल कंधों के बराबर सीधे रहें। सांस छोड़ते हुए राइट साइड में जाएंगे, राइट हैंड बिल्कुल सीधा रहेगा, लेफ्ट हैंड कोहनी से मुड़ जाएगा और पीछे की तरफ देखें। बिल्कुल सीधा रहेगा और जो दूसरा हाथ है वो कोहनी से मुड़ जाएगा, दोनों एक सीध में रहेंगे और पीछे की तरफ देखेंगे। सांस भरते हुए सामने आए, कमर को स्थिर रखना है, कमर से ऊपर का हिस्सा घूमेगा केवल। जाइए सांस छोड़ते हुए राइट साइड में, सांस भरते हुए सामने। प्राणायाम गर्मियों के प्राणायाम है, ये गर्मियों में ही किए जाते हैं, इनको सर्दी में नहीं करना होता है। शीतली प्राणायाम में क्या करना है, अपनी जीभ को बाहर निकालना है और पाइप की तरह फोल्ड करना है, ऐसे लंबा गहरा सांस भरें। आंखें बंद रखें, सांस को रोक के रखें।
10-20 सेकंड सांस को रोक के रखें और धीरे धीरे दोनों नासिकारंध्रों से सांस को छोड़ दें। जीभ को बाहर निकालिए, पाइप की तरफ फोल्ड कीजिए, जितना गहरा सांस ले सकते हैं उतना सांस लेके रोक के रखें, जीभ को अंदर कर लें, मुंह बंद रखें और दोनों नासिकाओं से सांस को बाहर छोड़ दें। सामान्य अवस्था में आ जाए। अब करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए पहले देख लीजिए, पहली उंगली माथे पर रहती है, कफ आपके गले में खराश हो वो सारी बीमारियां इसको करने से दूर होती हैं, फेफड़ों की बीमारियां खुदियां दूर हो जाती हैं इसके करने से। बाई तरफ से सांस छोड़ते हुए ही रुक जाएं। संकल्प का जो प्रोग्राम है उसके लिए सभी तैयार हो जाएं। सामने सभी जने अपना राइट हैंड सामने की ओर ले लें और जैसा मैं बोलूं उसको आपको दोहराना है। मैं संकल्प लेता हूं कि सर्वदा अपनी सोच में संतुलन बनाए रखूं, ऐसी मन स्थिति मेरे उच्चतम आत्म विकास की असीम संभावनाएं प्रदान करती है। मैं अपने कर्तव्य निर्वाह के प्रति कुटुंब और कार्य के प्रति तथा समाज व समूचे विश्व में शांति स्वास्थ्य और सौहार्द के प्रसार के लिए कृत संकल्प हूँ। संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। हमारे साथ में अभी राजसमंद के उपखंड अधिकारी हैं और योग महोत्सव, जैसा कि आपने सर आपने योग किया, किस तरह से किया? बहुत ही बढ़िया लगा। नवे योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी को शुभकामनाएं। और योग हमें लगता है कि सभी को जीवन में उतारना चाहिए। योग से न केवल न हमारा शरीर निरोगी रहता है और हमारा मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है। तो आप कितना आपने जीवन मैं डेली जब जब भी टाइम मिलता है मैं कोशिश यही करता हूँ कि इसको डेली प्रैक्टिस मैं खुद भी करूँ। तो लोगों को मुख्य रूप से ये एक संदेश गया कि हर व्यक्ति बिल्कुल योग को हर आदमी को अपने जीवन में उतारना चाहिए। मैं बताऊँ जैसा मैंने पहले कहा, शरीर और मन आपके दोनों ही स्वस्थ है। इसमें आयुर्वेद विभाग की तरफ से आम जन को सेहतमंद रहने का संदेश दिया गया है। योग महोत्सव आज रखा, किस तरह का संदेश पब्लिक को? आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो नवा मनाया जा रहा है, इसी संकल्प के साथ मनाया जा रहा है कि ये वसुदेव कुटुम्बकम, योगा फॉर वसुदेव कुटुम्बकम, इसका अर्थ यही है कि पूरा संसार एक परिवार है, परिवार की तरह रहे, हिलमिल कर रहे और स्वस्थ रहे, योग करें और स्वस्थ रहें। इसलिए नियमित योग का अभ्यास करें और अपनी दिनचर्या में सुधार करें और जो अपनी जीवन शैली है इसमें जो फास्ट फूड है, खाना है वगैरह, जो जीवन न समय पर उठना है, न खाना है, न सोना है, कोई भी काम समय पर नहीं हो रहा है और अपनी सारी जीवन शैली बिगड़ चुकी है, उसी जीवन शैली को निरंतर अच्छा करने के लिए नियमित योग करें और दिनचर्या अपनाएंगे। नियमित दिनचर्या करेंगे तो हमेशा स्वस्थ रहेंगे और ये पूरा संसार अपना एक परिवार है और परिवार के तरह रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और योग करें। योग में वैसे बहुत सारी इसमें क्रियाएं हैं जिनको कहीं मतलब एक एक दो दो घंटे भी लग सकते हैं, लेकिन एक सामान्य तौर पे कोई भी व्यक्ति अगर सेहतमंद रहना चाहे तो कितना समय उसको देना चाहिए योग को? जहाँ तक स्वस्थ रहने के लिए नियमित योग करने का नियम है वो कम से कम एक घंटा नियमित योग अभ्यास निरंतर करें, जिसमें सूक्ष्म व्यायाम से लेकर हल्के फुल्के आसन, सूर्य नमस्कार और मेन चीज जो कपालभाति
भस्त्रिका और अनुलोम विलोम, ये जो तीन प्राणायाम है, आसन अलग हैं और प्राणायाम अलग है। आसन शरीर को लचीला बनाने के लिए किया जाता है और जो प्राणायाम है वो अपने सांसों को और अपने लंग्स को, अपने शरीर की बीमारियों को ठीक रखने के लिए या बीमारी नहीं होवे उसके लिए ये प्राणायाम किया जाता है। तो नियमित एक घंटा तो नियमित इसका अभ्यास करना ही चाहिए तो ही आदमी स्वस्थ रह सकता है। केवल 5-10 मिनट केवल फॉर्मेलिटी करने से आदमी ठीक नहीं होगा। इसलिए मेरा आपसे सबसे यही निवेदन है कि वो नियमित योग करें और स्वस्थ रहें। तो आपने देखा किस तरह से हर व्यक्ति के लिए एक नियमित योग भी मिनिमम एक घंटा तो होना ही चाहिए, तभी वह सभी योग क्रियाएं कर पाता है और स्वस्थ रह पाएगा। हमारे साथ में समंदर जी डॉक्टर साहब हैं। आप अपने कार्यक्रम कैसा रहा, क्या थोड़ा सा कौन कौन मुख्य रूप से अतिथि रहे? मैं डॉक्टर समंदर शर्मा, उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग से। आज नवा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर आधारित था, आज यहाँ जेके गार्डन कलेक्ट्रेट परिसर में आप देख रहे हैं कितनी बड़ी धूमधाम के साथ और ये आयोजन हुआ है। इसमें पूरा प्रशासन हमारा सहयोग कर रहा है, पूरा प्रशासन स्वयं उपस्थित था, माननीय कलेक्टर साहब, एडीएम सर, माननीय आयुक्त महोदय, उपखंड अधिकारी महोदय, विकास अधिकारी महोदय और आयुर्वेद विभाग से मेरे उपनिदेशक महोदय, मैं और यहाँ के मेरे विभाग के काफ़ी कुछ कर्मचारी, शिक्षा विभाग, पुलिस, होमगार्ड्स, समस्त जो यहाँ पर विभाग जिला मुख्यालय पर हैं, करीब करीब सबकी उपस्थिति रही है और ये आज बहुत ही अच्छा एक आयोजन और सफल आयोजन इस जेके गार्डन के प्रांगण में हुआ है। और आप सब लोगों को और यहाँ के राजसमंद नगरवासियों को, पूरे देशवासियों को नवे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये था राजसमंद जिला कलेक्ट्री के सामने जेके उद्यान में ये योग महोत्सव हुआ और इसमें जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना, अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामचंद्र जी शर्मा, राजसमंद DSP रुद्र प्रकाश जी शर्मा के साथ ही तमाम विभागीय अधिकारी, कार्मिक, शहरवासी इसमें शामिल हुए और योग किया। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।